तो प्रश्न है यहाँ पे एक्स बटे में एक्स प्लस एक और प्लस का एक्स प्लस एक और बटे में एक्स बराबर है 34/15। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का जो सिंपल तरीका है वो यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स बटा एक्स प्लस एक है और वही चीज़ यहाँ भी लिखा है लेकिन रेसिप्रोकल है। तो ऐसे में क्या करते हैं, चाहो तो यहाँ से एक्स बटा एक्स प्लस एक, इसको यहाँ पे हमने माना ए, तो अब इसी को अगर उल्टा करते हैं यानी कि इस प्रकार से एक्स प्लस एक और बटे में एक्स, तो ये हो जाएगा 1/a, है ना। तो जहाँ पे एक्स बटे में एक्स प्लस एक दिखेगा वहाँ ए रखना है और जहाँ पे एक्स प्लस एक बटा एक्स है वहाँ 1/a रखना है। तो ये दोनों मान यहाँ रख देते हैं, देखो इसकी जगह पे आ जाएगा a प्लस का, इस वाले की जगह पे आएगा 1/a और ये बराबर है यहाँ पे 34/15। ठीक है, अब इसके नीचे एक मानते हुए यहाँ पे तिरछा गुणा कराते हैं, एक द्विघात समीकरण बनाएंगे इस प्रकार से, a का गुणा a में a स्क्वायर और यहाँ 1 और बटे में रहेगा a बराबर है 34/15। अब 15 को इधर गुणा करा लेते हैं तो ये हो जाएगा 15a² प्लस का 15, 34 यहाँ आ जाएगा यानी कि a और 34 का गुणा, तो ये बनेगा 34a और इसको उधर ले चलते हैं तो ये आ जाएगा 15a² माइनस का 34a प्लस का 15 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बना है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो उसके लिए देखो यहाँ से ये 15 है, ये 15 है, ए स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है और ये अचर पद, इन दोनों का पहले गुणा, ये हो जाएगा 225 और इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 34 आए, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे 34 आए, है ना। तो ये कह सकते हैं 25 × 9, 25 और 9 का गुणा 225 हो जाएगा और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34 मिल जाएगा, है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं 15a² माइनस का 25a माइनस का 9a प्लस का 15 बराबर 0। इन दोनों में देखो में 5a है, 5a बाहर आएगा, यहाँ बचा 3a माइनस का 5 और इन दोनों से माइनस 3 बाहर कर लेते हैं तो बचेगा 3a माइनस का 5 इक्वल टू 0। और अब यहाँ से इन दोनों में 3a माइनस 5 कॉमन है, इसको बाहर किया जाए, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 5a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको, तो यहाँ से देखो 3a माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, तो a जो आएगा 5 को इधर करो प्लस और 3 डिवाइड में, तो a इक्वल टू आ जाएगा 5/3। और ऐसे ही यहाँ से इसको 0 करते हैं, जब 5a माइनस 3 को 0 करेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 3/5, ये 3 इधर आए प्लस 5 को नीचे, है ना। तो a की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं और अब यहाँ से कहेंगे जब a बराबर 5/3 लेंगे तो हमें x का मान निकालना था ना इस सवाल में, तो यहाँ पे हमने a को माना था, इसमें रख देते हैं। तो x बटे में x प्लस एक बराबर है 5/3, तिरछा गुणा 3x हो जाएगा यहाँ पे और ये दोनों यहाँ पहुँचेंगे तो 5x प्लस का 5, x को एक तरफ कर लें तो 3x और ये 5x उधर जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू 5, इन दोनों का डिफरेंस जो है माइनस का 2x इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/2। x का एक मान ये आ रहा है जब हमने a का मान 5/3 लिया है, और ऐसे ही अगर a का मान 3/5 लिया जाए तो x का मान फिर से रख देते हैं x और डिवाइड बाई x प्लस 1 है इक्वल टू 3/5, यहाँ पे तिरछा गुणा 5x, x प्लस 1 का 3 में तो 3x प्लस का 3, 3x इधर ले आओ तो 5x माइनस 3x ये 3 रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ये x की दूसरी वैल्यू है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आया है वो है x इक्वल टू माइनस 5/2 और दूसरा है x इक्वल टू 3/2।